हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सफ़ेद बालों को कैसे रिमूव किया जाता है। अगर किसी के भी सफ़ेद बाल आ जाते हएं, चाहे वो बॉडी के कहीं पे भी आए, तो हमारे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उनसे कि इनको दूर करने का क्या तरीका है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सफ़ेद बालों को कैसे दूर किया जाता है। काले बालों को दूर करने के लिए हमारे पास लेज़र उपलब्ध हैं, जैसे कि डायोड लेज़र होता है और QC-TNDI लेज़र होता है, जिससे कि हम अनचाहे बालों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी सफ़ेद बाल आ जाते हैं तो लेज़र इसमें असरदार नहीं होता है। तो अब समस्या ये है कि सफ़ेद बालों के लिए लेज़र भी नहीं है, तो इसको कैसे दूर किया जाता है। इसको दूर करने की दो टेक्निक्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति द्वारा इसको दूर किया जाता है और दूसरा FUE टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में हम इस नीडल को, ये बहुत ही, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये बहुत ही फाइन नीडल होती है, इसको हम जो जहाँ पे भी बाल हों वाइट, मान लीजिए चिन में बाल हैं वाइट, तो उस हिस्से को हम पहले एक क्रीम लगा के सुन कर देते हैं और उसके बाद, ये इतनी महीन नीडल है कि आपको शायद ये दिख भी नहीं रही होगी, इसको हम हेयर की डायरेक्शन में डालते हैं और इसको एक मशीन में लगाते हैं, इस इलेक्ट्रोड को। उस मशीन से लो एनर्जी करंट पास होता है और वो बालों की रूट तक जाता है और उसकी रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एक टेक्निक हुई इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे कि हम हेयर को, वाइट बालों को निकाल सकते हैं। अब जो दूसरी टेक्निक है वो है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसके अंदर ये माइक्रो पंच होता है, ये माइक्रो मोटर के पे लग जाता है और जहाँ पे भी सफ़ेद बाल है उसकी ही डायरेक्शन में हमने इसको डालना है और पूरी की पूरी रूट ये बाहर आ जाएगी। तो ये मेथड हम जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहीं के भी बालों की जड़ों को निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। तो इससे हम सफ़ेद बालों को भी दूर किए कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।